नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भार्गव। नो इंट्रो नो टाइम, बस डायरेक्ट काम की बात। तो दोस्तों, ये जो बॉक्स है इसके अंदर है एक कंप्यूटर टेबल। जी हाँ, इतने छोटे से बॉक्स में एक कंप्यूटर टेबल है और इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है। इसका प्राइस है सिर्फ 2049 रुपीज। तो इसको आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये टेबल कितना बड़ा है, क्या ये आपके कंप्यूटर के लिए काम आएगा, लैपटॉप के लिए काम आएगा, वो सब देख लीजिए। तो चलिए अभी करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो ये देखिए, ये पीसेस में आया है, तो इसको असेंबल करना होगा। टेबल का कलर है व्हाइट। तो ये देखिए, ये हो गया टेबल का ऊपर का हिस्सा और ये साइड में लगेगा, मार्किंग क्या हुआ है। चलिए इसको अनरैप करते हैं अभी। तो पैकेजिंग बहुत ही अच्छा था, ये स्पॉन्ज वगैरह भी लगा हुआ था और साथ में और एक छोटा सा पैकेट मिला है जिसमें स्क्रूज वगैरह है, तो ये टेबल स्क्रूज से ही फिट हो जाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं इसमें क्या क्या निकला है। तो सबसे पहले ये वाला हो गया इसका ऊपर का एरिया, उसके बाद ये साइड का है, उसके बाद ये भी साइड का है, उसके बाद और ये नीचे रहेगा और ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा। तो ये सब देखिए, ये सब हो गया वो पीसेस, ये ऊपर रहेगा, ये साइड में, ये साइड में और ये नीचे और ऊपर। और टेक्सचर देखिए, थोड़ा सा मार्बल फिनिश जैसा है, पूरा कंप्लीट व्हाइट नहीं है। अमेजोन पे दिखाया गया था पूरा व्हाइट है, लेकिन मुझे मिला है थोड़ा सा मार्बल टेक्सचर वाला। तो ये सब हो गए सभी पार्ट्स। उसके बाद ये सब हो गए स्क्रूज, इनका जरूरत पड़ेगा इसको असेंबल करने के लिए। तो इस टेबल को आप स्क्रू ड्राइवर से असेंबल कर पाएंगे, लेकिन मैं यूज करने वाला हूँ एक इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन कम इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर का, और इसका प्राइस है सिर्फ 999 रुपीज और ब्रांड का नाम है खादिजा। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है, इसमें रिवर्स नहीं है, मतलब स्क्रूज को लगा पाएंगे लेकिन निकल नहीं पाएंगे। और अगर आपको एक ऐसा ड्रिल मशीन चाहिए जिससे आप स्क्रू लगा भी पाए और निकल भी पाए, तब आप ये वाला ड्रिल मशीन ले सकते हैं। 200-300 रुपया ज्यादा है, लेकिन इससे आप स्क्रूज को निकाल भी पाएंगे। तो चलिए अभी करते हैं इस टेबल का असेंबली। उसके लिए ये जो ऊपर का एरिया है उसको उल्टा कर लिया है, यहाँ पे स्क्रूज डालने के लिए छेद बने हुए हैं, वहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ऐसे जाएगा और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये वाला दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे जाएगा और स्क्रू के मदद से इनको लगाना है। तो चलिए पहले यहाँ पे इसको ऐसे लगा लेते हैं। अभी इसको ऐसे खड़ा करना है और यहाँ पे भी स्क्रू को लगा लेना है। तो ये देखिए, ये दोनों पार्ट ज्वाइन हो चुके हैं। अभी यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है इस तरह से। तो अब इसको खड़ा करेंगे और यहाँ पे स्क्रू से लगा देंगे। तो टेबल ऑलमोस्ट रेडी है, अभी दो पार्ट बचा हुआ है। यहाँ पे मार्किंग क्या हुआ है, बी, तो बी मतलब यहाँ पे आएगा ये, के बाद ये वाला है ए, ए मतलब यहाँ पे आएगा ऐसे। तो पहले ए को लगा लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ से स्क्रू अंदर जाएगा, छेद ऑलरेडी बने हुए हैं। तो इस साइड का हो गया, तो अभी दूसरे साइड पे लगाएंगे। तो जो टेबल है ऑलमोस्ट हो गया है, सिर्फ ये वाला बचा हुआ है, ये जाएगा यहाँ पे। उसके लिए टेबल को ऐसे करना पड़ेगा और ये वाला हिस्सा यहाँ पे ऐसे जाएगा। तो ये वाला हो गया, अभी नीचे का भी लगाना है। उसके लिए टेबल को उल्टा करेंगे। तो टेबल रेडी है। तो ये देखिए, टेबल असेंबल हो चुका है और वो भी बहुत ही आसानी से। तो चलिए अभी इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये वाला हो गया छोटा सा कंप्यूटर टेबल, अच्छा है, काम करने के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे लैपटॉप लेके या फिर डेस्कटॉप लेके काम कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब इसमें लैपटॉप और डेस्कटॉप को ढक के भी दिखाऊंगा, तभी आपको अंदाजा होगा। तो चलिए अभी इसका जो हाइट एंड विड्थ है मैं आपको बता देता हूँ। तो ऊपर का जो ये एरिया है, इसका लेंथ है 76 सेंटीमीटर का या फिर 30 इंच का, मतलब ये 2.5 फीट का है। अभी चौड़ाई भी देख लेते हैं। तो चौड़ाई है 36 सेंटीमीटर का या फिर 14 इंच का, मतलब 1 फीट से थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसका जो हाइट है वो है 76 सेंटीमीटर का या फिर 30 इंच का, मतलब इस टेबल का जो हाइट है वो नॉर्मल टेबल जितना ही है। तो इसीलिए इसको आप एज ए कंप्यूटर टेबल या फिर स्टडी टेबल भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसमें लैपटॉप और कंप्यूटर्स रख के भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, तो लैपटॉप को और माउस को रखने का भी जगह है और स्पीकर्स भी रख सकते हैं। तो ये टेबल लैपटॉप के लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो चलिए अभी इसमें एक डेस्कटॉप कंप्यूटर रख के भी देख लेते हैं। तो अभी देखिए, मैंने टेबल पे एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को रखा है। तो इस टेबल पे आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर भी रख सकते हैं और दो स्पीकर भी रख सकते हैं। और ये जो मॉनिटर है ये 22 इंच का है, तो आप इसमें 22 इंच या फिर 24 इंच का भी मॉनिटर रख सकते हैं। टेबल पे कीबोर्ड और माउस के लिए जगह है। उसके बाद जो सीपीयू है, जो यूपीएस है, वो आपको टेबल के नीचे रखना होगा। तो ये जो टेबल है ये लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों के लिए ही सुइटेबल है। तो ये था ऑनलाइन पे मिलने वाला सबसे सस्ता और सबसे अच्छा एक कंप्यूटर टेबल। इसका प्राइस है सिर्फ 2049 रुपीज और इसमें आप लैपटॉप भी रख सकते हैं, डेस्कटॉप भी रख सकते हैं या फिर इसको एज ए आप स्टडी टेबल भी यूज कर सकते हैं। इसका बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, इसका डिजाइन भी बहुत ही अच्छा है और इसको असेंबल करना भी बहुत ही ईजी है। तो ये टेबल मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। तो अगर आपको ये वाला टेबल खरीदना है तो इसको खरीदने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहीं से आप इसको खरीद सकते हैं।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वाला वीडियो काम आएगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के प्रोडक्ट्स के अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।